नारगढ़ की पहाड़ियों से लापता मामला बना मिस्ट्री। हाईकोर्ट ने मामले के स्टेटस रिपोर्ट 20 सितंबर तक पेश करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने दिया आदेश। लापता युवक के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की बंदी प्रत्याशीकरण याचिका पर दिया आदेश। और देखिए, याचिका में लापता युवक राहुल के किसी के द्वारा कैद होने पर जताई आशंका। राहुल अपने भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को गया था नारगढ़ घूमने। अगले ही दिन आशीष का मिल चुका था शव। राहुल बना मिस्ट्री। प्रशासन ड्रोन हेलीकॉप्टर से कर चुका है तलाश, नहीं लग पाया कोई सुराग। और देखिए, राज्य सरकार एसआईटी का भी कर चुकी है गठन। बड़ी खबर आपको बता दें, दो भाई जो हैं नारगढ़ घूमने गए थे और आशीष एक भाई का भी शव मिल चुका है, लेकिन दूसरे भाई का कोई भी सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। और देखिए, ड्रोन के जरिए पूरे नारगढ़ इलाके में तलाश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है राहुल को ढूंढने के लिए। और राहुल बना मिस्ट्री। प्रशासन अभी फिलहाल जांच कर रहा है और हाईकोर्ट जो है उसने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द राहुल की तलाश हो सके। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। 20 सितंबर तक पेश करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए, ये जो दो भाइयों के नारगढ़ में गुम जाने का जो मामला है, ये एक मिस्ट्री बन चुका है जिसमें आशीष जो है उसका तो शव मिल गया, लेकिन जो उसका भाई राहुल है वो अभी तक फिलहाल कहीं भी उसका सुराग प्रशासन को नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितने दिनों के अंदर, अभी जो पुलिस के प्रयास, प्रशासन के प्रयास जारी है, कितने दिनों के अंदर राहुल की जो है कुछ सुराग मिलेगा, राहुल का पता चलेगा? और फिलहाल अभी तक पुलिस की जांच, पुलिस का सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज जो नया अपडेट आया है वो हाई कोर्ट के द्वारा अपडेट आया है। इसमें जो स्टेटस रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 20 सितंबर तक वो पेश की करे, और इस आदेश को जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने की खंडपीठ ने आदेश ये जारी किए हैं। लापता जो युवक है उसके पिता सुरेश चंद शर्मा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर ये आदेश निकाले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारगढ़ पहाड़ी में लापता राहुल शर्मा की तलाश में अभी फिलहाल 3D स्लेम लीडार इंस्टीट्यूट मैपिंग तकनीक की गई है। पहली बार इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा एसआईटी का भी गठन किया गया है। उसके बाद भी आज 9 तारीख हो गई और 1 तारीख की ये घटना है। अभी इतना लंबे समय हो गया, ऐसे में राज्य सरकार भी चिंतित है कि आखिर राहुल गया कहाँ, और राहुल का जो ये गुम होना है ये अपने आप में एक मिस्ट्री साबित हो रहा है। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर क्या पेश करती है और आगे किस तरह का रुख आ पाता है। जी प्रमोद, देखिए, जो परिवारजन है, जो राहुल के पिता हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं राहुल को कैद करने की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं राहुल जो है उसे किसी ने कैद कर रखा है या किसी तरीके की घटना में वो किसी घटना का शिकार वो वहां पर हो रखा है, इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, इसमें 3 एंगल से जो है वो आगे जांच चल रही है। 3 एंगल इसमें ये हो सकते हैं कि जैसे ही जो लास्ट में जब राहुल गायब हुआ था तो उसने अपनी माँ के से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि एक गार्ड को उन्होंने सूचना दी है कि यहाँ पर वो रास्ता भटक गए हैं, और उसके बाद वो फोन है वो स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद ही जहाँ पर लास्ट लोकेशन पुलिस को मिली है वहाँ पर ही उसके जो आशीष है उसकी डेड बॉडी वहाँ पुलिस को मिली है, तो वहाँ से पुलिस ने जांच शुरू की है। और उसके बाद पुलिस ने जो उनकी मोबाइल डिटेल खंगाली है उसके अंदर एक लड़की का भी नाम आ रहा है, और ऑफिस में जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ पर भी पुलिस जांच कर रही है। तो 3 एंगल से यहाँ पर जांच की जा रही है। अब देखने का विषय ये होगा कि कौन सा एंगल पुलिस के लिए सटीक बैठता है, और राहुल की किसी भी तरह से कोई भी जानकारी पुलिस को मिल पाती है तो वो वहाँ राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी और राज्य सरकार कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करेगा 20 सितंबर तक। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।